हे गाइस, वेलकम टू फ्री आईक्यू। मैं वैभव गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रेड वार के बारे में, वो भी ऐसी वैसी नहीं, ट्रेड वार बिटवीन टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए एंड चाइना। तो क्या है इस ट्रेड वार की वजह, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्यों है ये ट्रेड वार, इससे किसको कितना नुकसान होगा, एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट आखिर इंडिया का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बोथ इन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म्स। ऑफ कोर्स बहुत कुछ है डिस्कस करने को एंड मेनी थिंग्स टू केयर अबाउट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू फ्री आईक्यू एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, बेसिकली कहें तो यूएसए एंड चाइना टैरिफ खेल रहे हैं, एंड इवन इन द मोर इजी सेंस अमेरिकी सरकार चाइना से आने वाले गुड्स पर टैरिफ लगा रही है। तो इसके रिस्पॉन्स में, इसके रिटेलिएशन में चाइनीज गवर्नमेंट भी दो टूक जवाब दे रही है, वो भी बढ़ चढ़कर यूएसए से आने वाले गुड्स पर टैक्स लगा रही है। और इसके साथ साथ ही इन ऑर्डर टू मेक मोर प्रॉफिट आउट ऑफ द ट्रेड, उन्होंने अपनी करेंसी युआन को मैनिपुलेट किया, उसकी वैल्यू कम कर दी, ताकि हर वो चीज जो चाइना से यूएसए जाए उसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा युआन मिले और अमेरिका में उनके गुड्स सस्ते बिके। तो आइए जानते हैं कैसे स्टार्ट हुई ये भयंकर ट्रेड वार जिसके बारे में आज पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है। देखिए, हम लोग जब किसी भी नॉर्मल ट्रेड में एंगेज होते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमारा मेन मोटिव होता है किसी भी तरह अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, किसी भी तरह टू मेक मोस्ट प्रॉफिट आउट ऑफ द डील। बट जब नेशंस एक दूसरे से डील करते हैं ना, तो उनको जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव रहता है वो होता है पावर, टू गेन मोर एंड मोर पावर। ऑफ कोर्स आप लोगों ने सुना ही होगा कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2024 तक चाइना यूएसए को ओवरटेक करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। एंड ऑफकोर्स इसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो उसके नतीजे होंगे, वो अमेरिकी सरकार को डरा रहे हैं। और ऐसा करने में चाइनीज इकोनॉमी का जो मेन हेल्पिंग हैंड है वो है यूएस गवर्नमेंट। चाइना अपने ही गुड्स यूएसए को बेच बेच कर इकोनॉमी के लेडर पर आगे आगे चढ़ता जा रहा है, और करीब एक दशक से चाइना ही यूएसए का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। एक दशक से इन दोनों की नेट ट्रेड करीब 600 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 42 लाख करोड़ रुपए की थी, लेकिन इसमें से आधे से भी ज्यादा हिस्सा यानी कि करीब 510 बिलियन डॉलर्स का सामान यूएसए से चाइना इंपोर्ट होता था, लेकिन गुड्स वर्थ ओनली 120 बिलियन डॉलर्स वर एक्सपोर्टेड टू चाइना। अब ये जो चीज है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी यूएसए बहुत ज्यादा सामान, बहुत ज्यादा गुड्स चाइना से मंगा रहा है, लेकिन बहुत कम गुड्स उसको इंपोर्ट कर पा रहा है, इसी चीज को हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरह यूएसए को यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप इसी चीज को काउंटर करना चाहते हैं, और इवन अभी नहीं और बरसों पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान अमेरिका ने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके उस टाइम की वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर ब्रिटेन को फायर आर्म्स और हथियार बेच बेच कर लार्जेस्ट इकोनॉमी के पद से हटाया था, और आज यूएसए के साथ भी वही हो रहा है। चाइना इज नाउ ऑन इट्स वे टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप ही ऐसे रैश डिसीजंस क्यों लेता है, मतलब दिक्कत क्या है यार बंदे के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रंप इज प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग 2020 इलेक्शंस, और यहां सिर्फ ट्रंप की सीट ही दांव पे नहीं लगी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ट्रंप पे रशियन सरकार से इलेक्शंस में मदद लेने के आरोप है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि केस की जांच करने वाले उनको अच्छे से कॉर्नर नहीं कर पाए, ऑल थैंक्स टू हिज पोजीशन। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ट्रंप बच गए हैं, कहा जा रहा है कि ऑफिस छोड़ने के बाद
ट्रंप पे केस अच्छे से चल पाए एंड इवन ट्रीजन के केस में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यहां ट्रंप के लिए 2020 के इलेक्शंस सर्वाइवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए तो ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट हासिल कर सकें, कुछ ऐसा जो वो ऐसा ट्रॉफी दिखाकर फिर से वोट बटोर पाए। और यही रीजन है कि ट्रंप सरकार टैरिफ्स इंपोज कर रही है इन ऑर्डर टू प्रेशराइज चाइना, ताकि जल्द से जल्द वो उन दोनों के बीच एक ट्रेड साइन हो पाए, अखबारों में फोटोज आए, हर जगह ट्रंप ही ट्रंप छा जाए और ट्रंप कहे देखो अब मेरे को फिर से। तो अगर हम बात करें तो ये सब स्टार्ट तब हुआ जब यूएसए के बार बार कहने के बावजूद चाइना ने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ट्रेड डेफिसिट मतलब चाइना ये डील होने वाली थी कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम करना होगा, और इसको कम करने के लिए चाइना ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदे यूएसए से, वो भी कम ट्रेड दरों। बट उसके बाद भी चाइनीज साइड से कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स ना आने के कारण ट्रंप ने अगेन $50 बिलियन के गुड्स पर 25% टैरिफ लगा दिए। और फिर इसके बाद तो टैरिफ बढ़ते गए, फिर चाइना ने भी टैरिफ लगाए और फिर अगेन टैरिफ टैरिफ एंड टैरिफ। अब अगर हम बात करें इस टैरिफ वार के कॉन्सिक्वेंस की, तो चाइनीज गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने वावे टेलीकम्युनिकेशन को स्पाइंग के केस में बैन कर दिया। आप लोगों ने ऑफकोर्स न्यूज में सुना होगा कि अब वावे फोन्स में एंड्रॉइड सपोर्ट नहीं मिले। इसके साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं ट्रंप ऑर्डर्स अमेरिकन कंपनीज टू इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू चाइना। अब देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कह तो दिया, बट हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन कंपनीज चाइनीज मार्केट को ऐसे तो छोड़ के जाने वाली है नहीं। मोर ओवर इससे चाइनीज प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो तो रहा है, बट इसके साथ साथ अमेरिकन कंपनीज और फार्मर्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, अमेरिकन कंज्यूमर्स को सॉरी। तो करीब एक दशक से चाइना और यूएसए बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हैं, और सस्ते चाइनीज सामान के कारण हुआ ये कि बहुत सारे सामान जो चाइना से अमेरिका आते थे वो अब यूएसए ने मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दिया, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, लेदर का सामान वगैरह, इन सब का मैन्युफैक्चर अब यूएसए में कंप्लीटली बंद हो चुका है। तो अगर सरकार इन द लॉन्ग टर्म्स इस ट्रेड वार को देख रही है, वो इन द लॉन्ग टर्म्स इस ट्रेड वार को चलाने वाली है, तो उनको ये चाहिए होगा कि पहले से ही सरकार जो डेफिशिएंसी आने वाली है, द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रेडी फॉर द अपकमिंग गुड्स डेफिशिएंसी, यानी अब सामान की जो डेफिशिएंसी आने वाली है उसके लिए सरकार पहले से तैयार। अब बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया डेफिनेटली इस मौके का फायदा उठा सकती है, क्योंकि लोहा अभी गर्म है, हथौड़ा मारने का यही सही समय है। मतलब अभी ट्रेड वार थम ही नहीं है, और इन द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें इन परिस्थितियों का फायदा उठा लेना चाहिए और दोनों जगह अपनी ट्रेड मजबूत करनी चाहिए। और तो और जो अमेरिकन कंपनीज चाइना की जगह नया मार्केट देख रही हैं उनके लिए इंडियन मार्केट स्वर्ग से कम नहीं, बट अगेन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है नहीं, तो जो अमेरिकन कंपनीज है वो आसियान कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छा है वहाँ जा रही हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे काउंटर करते हैं हमें देखना होगा, ताकि हम इस ट्रेड वार का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बाकी ये ट्रेड वार जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। So thanks for listening. Till then, keep growing and keep learning. Thank you.